हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक करी की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप कम अंडों और कम प्याज के साथ बना सकते हैं। प्याज अभी महंगी हो रखी है तो कम प्याज में हमें काम चलाना है, तो किस तरीके से बना सकते हैं चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ का छोटा प्याज लिया है, करीबन 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से अदरक और 2 हरी वाली मिर्च लिए हैं हमने। आलू को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है और उसको हमने एक बॉल में लिया है क्योंकि इन आलूओं को हम माइक्रोवेव में कुक करेंगे। तो ऊपर से हमने थोड़ा सा नमक छिड़क दिया और करीबन 1 चम्मच हमने तेल डाला है और अंडों में भी नमक मिला के उसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं और जो हमने आलूओं में नमक मिलाया है उसे हम माइक्रोवेव में अच्छे से कुक होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे, तो हमारे जो आलू है बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो बस अंडों को अब हम साइड में रखते हैं, कढ़ाई गर्म होने देते हैं, उसमें 1 चम्मच ही हमने तेल ऐड किया है। उसके बाद जो हमारे कटे हुए प्याज और मिर्च है उसे हम ऐड कर लेते हैं और प्याज की मिठास जाने तक हमें इसे भूनना है। बस पिंकी सोने के लिए इसे हमें भूनना है और करीबन 1 चम्मच इसमें हमने अक्खे धनियों को ऐड किया है। इससे आपकी एक करी को बहुत ही अच्छा स्वाद मिलेगा, इसलिए इसको स्किप ना करें, आप ज़रूर ऐड करना अक्खे धनियों को प्याज के भूनते वक्त। तो जब तक प्याज हमारी भून रही है तब तक हम अंडों को अपम प्लेट में सेट कर लेते हैं इसे कुक होने के लिए। तो थोड़ा सा तेल डालकर उसे अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है और बस अंडों को जो अच्छे से फेटा था उसे हम एक एक करके सभी अपम प्लेट में डालते जाएंगे और इसे हमें गैस पे कुक होने के लिए रखना है। तब तक हम दूसरी तरफ प्याज को भी देख लेते हैं। तो प्याज आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंकिश कलर ले लिए हैं, बस हल्का ही भूनना है हमें प्याज को। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और मिक्सर जार में इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और अब हम अपम प्लेट को गैस पे रख चुके हैं कुक होने के लिए, तो बस इन अंडों को हमें अच्छे से सभी तरफ से सेक लेना है। जब एक तरफ से ये हमारे अंडे अच्छे से सिक जाएंगे, देखिए इस तरीके से हो जाएंगे, तो हमें अंडों को दूसरी तरफ से पलटना है तो अंडों को अच्छे से सेक मिलेगा। नहीं तो अंडे अगर ऊपर से कच्चे रहेंगे तो उन्हें पलटने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो अंडे एक तरफ से बहुत ही अच्छे से कुक हो गए थे तो हमने दूसरी तरफ से इसे पलट लिया है। तो बस इसी तरीके से दोनों तरफ से हम इसे सेक लेंगे। इस तरीके से अगर आप अंडे बनाएंगे तो अगर कभी आपके पास अंडा कम हो तो आप ज़्यादा लोगों को भी मीन्स सर्व कर सकते हैं इससे, और बहुत ही अच्छी बनती है ये वाली रेसिपी, आप ट्राई तो ज़रूर करना इसे, फिर आप कहोगे कि रेसिपी सच में अच्छी बनी थी। बस प्याज ठंडे हो गए हैं तो मिक्सर जार में इसका पेस्ट बना लेते हैं, साथ में हम अदरक और लहसुन को भी ऐड कर लेते हैं। और हमने जो माइक्रोवेव में आलू को कुक करके रखा था सबसे पहले उसे हम तेल में अच्छे से भून के फ्राई करके निकाल लेते हैं, इससे हमारे आलू बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। आलू हमारे पक तो चुके हैं, बस उन्हें हम क्रिस्पी कर लेते हैं तेल में थोड़ा डाल के। और ये सब्जी सिर्फ 2 चम्मच तेल में बनेगी। मैं जितनी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसालों के साथ होती है। तो आलू भून गए हैं तो बस उसे अब हम निकाल लेते हैं और उस बचे हुए तेल में ही हम जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। उसके बाद जो हमने मिक्सर जार में पेस्ट तैयार किया है उसे ऐड कर लेंगे और अच्छे से हमें भूनते जाना है। मसाला हमारा जितने अच्छे से भुनेगा हमारी जो ग्रेवी या सब्जी होती है वो उतनी ही अच्छी बनती है। तो बस हर एक सब्जी का यही राज होता है कि मसालों को अच्छे से भुने। तो यहाँ में हमने थोड़ी कसूरी मेथी नहीं, यहाँ पे हमने लाल तीखी वाली मिर्च ऐड की है 1 चम्मच और नमक ऐड कर दिया स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और चिकन मसाला इसमें करीबन 1 चम्मच एवरेस्ट का आप ज़रूर ऐड करें, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद मिलेगा। तो मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं तो बस इसमें हमने पानी ऐड करके 2 मिनट तक और भून लेंगे इसे हम, और उसके बाद हमारे जो आलू भुने हुए हैं उसे अब हम ऐड करते हैं और आलूओं के डालने के बाद भी इसे हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही गजब की रेसिपी बनती है और आप देख सकते हैं कितने थोड़े से प्याज में इसे हमने बना लिया है। अगर आपको टमाटर पसंद करते हैं आप खाना तो आप मसाले भूनते वक्त उसमें टमाटर भी ऐड करना। तो बस पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें हम उबाल आने देते हैं अच्छे से, उसके बाद हम अंडों को ऐड करेंगे। अंडों को इसमें ऐड करने के बाद अंडे बिल्कुल फूल के बॉल जैसे हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो भी कितनी शानदार बनी है।
कितनी थिक सी बनी है हमारी ग्रेवी, तो इस तरीके से आप ट्राई करना। अगर आपके पास प्याज कम हो, प्याज तो ऑलरेडी महंगी हो चुकी है, हम कम ही लाते हैं, तो इस तरीके से आप बनाएं। तो आई होप मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।